हाफिज एहसान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर अमल किया जाएगा। तो आप समझते हैं कि जो एक अनसर्टेन सिचुएशन थी, जैसा पीटीआई बार बार डिमांड करी थी कि शायद अमल दरामद ना हो पाए, कुछ और हर्डल्स क्रिएट हों, तो अब ये मरहला खुश असलूबी से तय पा जाएगा, क्या आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि जो 12 जुलाई का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था रिजर्व सीट्स के मुतालिक, उस फैसले को फिर एक पॉलिटिकल हाइप जो क्रिएट की गई थी उससे शायद एक एंजाइटी आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। चूंकि देखे कि 12 जुलाई जब आपका फैसला आया उसके अंदर फ्राइडे था, फिर डेफिनेटली एक दो दिन के बाद उन्हें ऑर्डर ऑफिशियली रिसीव आया होगा, फिर उसके बाद आपकी दो छुट्टियां आ गई थी 9 या 10 मुहर्रम की, और उसके बाद उन्होंने दो दिन के मीटिंग्स करके आज जो फैसला किया, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनका ये फैसला दुरुस्त है, आइन और कानून के ताबे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अगर कोई भी फैसला सब आप इस पर अपना तजिया पेश कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।